गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो देख सकते हैं मैंने आज ये स्कर्ट और टॉप पहना है। तो अभी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का प्यार से ब्लॉग का चलिए स्टार्ट करते हो। तो आज है खरना, हैप्पी खरना आप सभी को मेरे तरफ से। और आज का दिन हम लोग जाएंगे, मतलब मेरे घर पे छठ पूजा नहीं होता है, तो एक आंटी के घर होता है, तो उन्हीं के घर जाएंगे हम लोग। खरना खरना का पूजा सब अब सबके साथ, मतलब वो लोग इन्वाइट करते हैं हम लोग को। ऐसे भी मैं छठ पूजा का फास्टिंग भी करती हूँ, मतलब एक दिन जिस दिन अर्घ देते हैं शाम को और एक दिन सुबह को, तो वही वाला फास्टिंग रखते हैं। तो आज है खरना, तो चलिए आप सबके साथ शेयर करूँगी। ब्लॉग पे बने रहिए, ब्लॉग का कंटिन्यू। तो अभी मेरी मम्मी चली गई है उनके घर, और मेरी नानी है, देखिए। तो मेरे नानी इस साइड पे है, मैं और नानी जाऊँगी अभी हम दोनों। और श्रेया मम्मी को लेके चली गई है, तभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ। अभी तैयार भी हो जाती हूँ फिर चलूँगी। चलिए ब्लॉग पे बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं अभी जा रही हूँ। देखिए, मैंने सलवार सूट पहना हुआ है, तो सिंपल से लुक है। तो चलिए गए, चलिए सभी हम लोग आंटी के घर आ चुके हैं। यहाँ पर अभी सब सजाएंगे, रंगोली वगैरह बनाना भी है, और फूलों से कैसे सजा रहे हैं तो वो सब भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग पर बने रहिए फ्रेंड्स। तो आते साथ देख रहे हैं, थोड़ा बहुत रंगोली स्टार्ट हो चुका है, तो कि ये मेरी बहन है, वही बना की बनाई है। तो ये मेरी आंटी की लड़की है, तो वही बना चुकी है, देखिए आधा। तो चलिए अब हम उसके साथ दे रहे हैं, तो कंप्लीट हो जाएगा पूरा एक ही साथ, दोनों तीनों एक साथ। मेरी बहन भी आई थी, वो भी लगाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिज़ाइन कैसा बनता है। तो साइड में देख, सूर्य ये करके बनाए हैं गोल जैसा चक्र, तो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। तो बाहर पे ही बन रहा है, और अंदर में भी फूल वगैरह सजाएंगे, तो वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए अपन, मेरी नानी आई है, तो नानी भी बैठी हुई है बाहर ही, देख रहे हैं हम लोग का रंगोली कैसा बना है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर रंगोली हम लोग बना लिए सब पे मिल के। तो देखिए कितना अच्छा सा, कितना अच्छा लग रहा है ना। और अभी घर पे सामने, घर के अंदर में भी हम लोग, तो रंगोली सजा हो गया है। तो अभी आ गए हैं बहन के पास, तो देखिए मेरे बहन बना रही है केला पत्ता का जो प्रसादी चढ़ेगा, तो उसी में, तो ये सर्कल जैसा बना रही है, सर्कल में हम लोग देंगे तो जैसे सजाने में अच्छा लगेगा। और यहाँ पर देखिए फूलों वाला भी आ चुके हैं डेकोरेट करने के लिए, तो डेकोरेट यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर ही पूजा यहीं पर होगा, तो यहीं पर सब कुछ रखेंगे। तो यहाँ पर फूलों से पूरा सजाएंगे अच्छे से। तो मेरा बहन का भी थोड़ा कुछ हो गया, और बहुत सारे केला पत्ता लाए हैं, क्योंकि 15 शायद बनाना पड़ेगा ऐसे गोल गोल। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा केला पत्ता लंबा लंबा लेके आए हैं। तो गाइस ब्लॉग पे बने रहिए। और अभी देखिए मेरे बहन का भी भूख भी लग गया है, बहन वहाँ पर रानी सब कर खा रहे हैं, तो ये मम्मी सूट कर रही थी। और यहाँ पर देखिए हम सजा रहे हैं फूलों में नीचे, क्योंकि फूलों वाला डेकोरेशन ऊपर में कर दिए चले गए, तो अभी हम लोग पूरा सजाएंगे नीचे में। तो देखिए पूरा आम का पत्ता भी लेके आए हैं, तो अच्छे से हम लोग सजा देते हैं गाइस। तो लास्ट पे आप लोग देखिएगा कैसा बना है, वो भी हम लोग इसी तरह बना के, मतलब सजा के, सब अच्छे तरह से सजा के फिर जाके हम लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। तो देखिए गाइस फूलों माला पूरा पूरा अच्छी तरह से हम लोग सजा रहे हैं। ये भी एक छोटी बहन है, तो हम लोग सब कोई मिल के काम करते थे। यहाँ पर मेरी बहन अल्पना बोलते, उसको अल्पना भी दे दी है। तो ये छठ पूजा हम लोग हर मेरी आंटी के इन्हीं के घर होता है, तो हम लोग आते हैं, तो बहुत ही मज़ा, बहुत ही इंटरेस्ट, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़े से हम लोग मनाते हैं ये। तो देखिए हम लोग ये कौन सा पत्ता है गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइए कौन सा पत्ता में हम लोग सजाए हैं। तो ये देखिए फूल है, और साइड में पत्ता लगाए हैं, और बीच में दिया लगेगा। तो डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है ऊपर में, तो अभी हम लोग यहाँ पर सजा रहे हैं रोज से। देखिए बहुत आधा हो चुका है गाइस, और हम लोग का बहुत ही अच्छा लगता है, हर साल हम लोग बहुत अच्छे से ये सब मनाते हैं, और एंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो छठ पूजा ना हो नहीं होता तो बहुत ख़राब लगता था कैसे, बट हम लोग बहुत साल से कर रहे हैं, मतलब इन्हीं के घर में, तो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है।
और ये 4 दिन कैसे ही जो बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। हंसी मजाक में बहुत अच्छा लगता है तो ऐसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और जब पूरा खत्म हो जाता है तो कैसे खराब भी लगता है गाइस। तो लगभग ये हो चुका है, देखिए पूरा हम लोग अभी थोड़ा सा साइड पे अभी ये फूल डालेंगे लेडी जैसा, तो फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। तो पूरा लास्ट होने के तक आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, अगर मिस कर दिए तो देख नहीं पाएंगे। तो कैसे तैयार कर रही हूँ मैं, हम लोग सब मतलब हम सब तीनों मिलके। तो कंप्लीट हो ही चुका है लगभग, और अभी हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। खाना खा लेते हैं, सबका खाना हो चुका है, अभी 3 बज गया है गाइस। तो अभी दाल चावल और देखिए भुजिया और ये सब्जी, मतलब हम लोग 4 दिन हम लोग को प्योर वेज चलता है, प्योर वेज ही खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो गाइस देखिए सबको यहाँ पर जो जो हम कम के सबको खा रहे थे, 3.5 दिन सब में हम ही लोग लास्ट में थे। तो फ्रेंड्स सब में हम लोग खाना खा लिए हैं, खाना खा के अभी जा रहे हैं घर। अभी हम लोग आएंगे शाम का खाना खा, हम देखिए आप सब देखे कैसे सजाए हम लोग। तो फिर हम लोग शाम का अभी पूजा होगा खरना का, तो फिर हम लोग जाएंगे, फिर आएंगे यहाँ पर, फिर से तैयार होके आएंगे रेडी सेडी होके, फिर आप सबके साथ भी शेयर करूंगी। तो चलिए गाइस ब्लॉग पे बने रहिए। तो अभी मैं और मम्मी पैदल पैदल चल रहे हैं क्योंकि मेरी बहन अभी से पहले ही चली गई है घर, तो काम था इसीलिए, इसलिए मैं और मम्मी पैदल पैदल जा रहे हैं। हे गाइस तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो देख सकते हैं मैंने आज ये स्कर्ट और टॉप पहना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना की प्रसादी लेने के लिए, मतलब अभी जाएंगे सब। चलती हूँ। तो श्रेया गाड़ी लेके खड़ी हुई है और नानी भी साथ में, चलिए पीछे बैठ जाती हूँ मैं। तो बस आज ठंडा नहीं है, थोड़ा सा भी हवा बहुत मस्त लग रहा है, मैं और नानी और श्रेया। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है बट सामने ही है। तो ये देखिए ये आंटी है, यही छठ पूजा करती है। तो ये देखिए मेरी दीदी भी आई है, तो दीदी भी उन्हीं के साथ पूजा कर रही थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूजा स्टार्ट ही हो गया है, तो हम लोग आ गए हैं, तो जल्दी जल्दी आ गए हैं क्लिप लेने के लिए। आप सबके साथ भी शेयर करना है ना, तो आप सबको भी दिखाना है, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए छठ मैया का। तो हमारा कुछ इस तरह सजाते हैं, आप सबको कैसा लगा? चलिए गेस्ट के लिए बन रहा है खाना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पूरी तलाया जाएगा, अभी पूरी नहीं बना है तो पूरी बनेगा अभी। और यहाँ पर आलू आलू का दम बना हुआ है, देखिए सब मतलब प्योर भेजी है। और यहाँ पर खीर प्रसादी के लिए सबको देंगे, हम लोग भी खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। छोटी खा रही है खाली, काम वाम कुछ की नहीं, खाने बैठ गई। वीडियो बना रही है, डर से क्यों बोल रही है, धीरे धीरे बोल रही है।
फ्रेंड्स बसा दी हम लोग खा लिए सब पे भाई सब पे मिल के हम लोग बैठे हुए हैं सब देखिए बातें वगैरह कर रहे हैं सबको। श्रेया उस साइड श्रेया नहीं है श्रेया उस साइड से खा रही है वो तो वैसे भी हम लोग सबके घर जा रहे हैं चलो जल्दी जल्दी घर चलो घर चल जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग घर आ चुके हैं घर आ गए हैं सबको ही मैं दीदी और सबको आ गए हैं मम्मी तो मम्मी भी आ गई है और सेट मेरी बहन और नानी आके तो पहले आ चुकी है इसलिए सो गई है। तो गाइस चलिए आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा तो ब्लॉग कैसा लगा आप सबको अच्छा लगे तो एक लाइक एक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग लेके कल भी ब्लॉग आएगा आप सबके लिए तो कल भी हम लोग ब्लॉग बनाएंगे कल हम लोग तो नदी जाने वाले हैं तो आप सबके साथ भी शेयर करते हैं अभी के लिए बाय बाय।